तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। सिर्फ वर्दी ही नहीं हमदर्दी भी का स्लोगन सच कर दिखा रहे हैं मंडला टीआई नीलेश दोहरे। एक जहां और कोरोना कर्फ्यू के चलते लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो कुछ लोग सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति के चलते अभी सब्जी के छोटे व्यापारी कड़ी धूप में अपनी सब्जी बेचने को। वहीं आज शनिवार को मंडला के तिलकवाट पर रहने वाली 60 वर्षीय वृद्ध महिला सुनीता बाई वंशकार इस भीषण गर्मी के नौ तपे पर अपने हाथ ठेले पर सब्जी बेच रही थी। इसी दौरान कोतवाली थाना प्रभारी नीलेश दोहरे व उनकी टीम की नज़र सब्जी बेचने वाली वृद्ध महिला पर पड़ी, तो उन्होंने तेज धूप में सब्जी बेचने का कारण पूछा। वहीं वृद्ध महिला सुनीता बाई ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के चलते आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम मजबूरन तेज धूप में सब्जी बेच रहे हैं। वहीं मंडला कोतवाली प्रभारी और उनकी टीम ने मानवता दिखाते हुए वह महिला की पूरी सब्जी खरीद ली और महिला को कोरोना संक्रमण से बचने की सावधानी की अपील की। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।